श्री संवत्सर में प्रदेश के इस दूरस्थ आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र में नवनिर्मित विद्यालय और छात्रावास के आप लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सरिता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कार्यक्रम के स्वास्थ्य योजक माननीय सांसद श्री राम शपथी, अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रवासी कल्याण आश्रम श्रीमान रामचंद्र खराड़ी जी, कार्यक्रम के संयोजक विमान कुमार सिंह जी, प्रवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों और भारी संख्या में यहाँ के लोकप्रिय सांसद पकौड़ी लाल जी, पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का इस दूरस्थ आकांक्षात्मक जनपद में आगमन हृदय स्वागत हमारे लिए इस गर्व और सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। ये जनपद सोनभद्र जहां पर प्रदेश की आधी वनवासी आबादी निवास करती है, उन वनवासियों गिरवासियों के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी पहले से ही सक्रिय रूप से सहभागी बने रहे हैं और आज जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश को उनका नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में उनका एक बार फिर से सोनभद्र की इस धरती पर आकर वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में नवनिर्मित छात्रावास और विद्यालय भवन के उद्घाटन का एक कार्यक्रम अपने आप में ही वनवासी समाज के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन की लहर पैदा कर रहा है। मैं इस अवसर पर सोनभद्र की जनता की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर एक नई भूमिका के साथ आया है। कल आपने देखा होगा दुनिया के चार राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री जी का जो संवाद था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने स्वयं इस बारे में
प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया कि वैश्विक मंच पर भारत ने कोविड प्रबंधन, कोरोना के प्रबंधन के साथ ही वैक्सीन देकर के विश्व मानवता के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह वास्तव में भारत आदिकाल से इस प्रकार का नेतृत्व करता रहा है। यह सम्मान जो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश को प्राप्त हो रहा है, यह सम्मान भारत की 135 करोड़ आबादी का सम्मान है। लेकिन केवल वैश्विक मंच पर ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर भी गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, वनवासियों को, गिरिवासियों को, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को, अति पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़कर शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी तक उन तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य विगत छह वर्षों के अंदर हुआ है, ये आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र उससे साक्षात लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया है। मैं बधाई देता हूं सोनभद्र वासियों को। आज राष्ट्रपति जी की उपस्थिति इस आकांक्षात्मक जनपद को विकसित जनपद के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनने जा रहा है। मुझे आप सबको बताते प्रसन्नता है आपके जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद विधायकों के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से राज्य सरकार एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी आपके सोनभद्र जनपद में करने जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा जब हम लोग आए थे इस जिले में, विंध्य क्षेत्र के दो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र हर बार जनवरी से लेकर के मध्य जुलाई तक पेयजल के संकट से जूझते थे, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उनके विजन के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल के भाव के साथ हर गांव तक और हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराने के कार्य को भी हम सोनभद्र के अंदर भी प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा प्रयास है इस साल के अंत तक ज्यादातर गांव में पेयजल उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा और बाकी बचे हुए गांव को अगले दो वर्ष के अंदर, तीन वर्ष के अंदर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति देकर के आदि से अधिक समस्याओं का समाधान कर देंगे, स्वास्थ्य संबंधी आदि से अधिक समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे। ये जो कार्य आ रहे हैं, गरीबों को मकान देने का काम, घर घर बिजली का काम, हर घर पेयजल की योजना का काम, स्वास्थ्य की सुविधा हर गरीब को मिले इसका लाभ, हर नौजवान को रोजगार देने का कार्य, हर खेत को पानी देने का कार्य, यह न केवल लोक कल्याणकारी योजना को आगे बढ़ाने का बल्कि हर व्यक्ति की आय को कई गुना बढ़ाने और आकांक्षात्मक जनपद को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, और आज उसका प्रभाव सोनभद्र जैसे जनपदों में भी देखने को मिला है। कहीं आईटीआई खोले जा रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक खोले जा रहे हैं, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है, और उसी श्रृंखला में आज सेवा कुंज आश्रम कारीडांड चपकी में ये विशाल वनवासी समागम का एक कार्यक्रम, वनवासी कल्याण आश्रम जो 1952 से लगातार वनवासी बंधुओं के बीच में कार्य कर रहा है, वनवासी बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है, यह कार्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। लाखों वनवासी समुदाय के बच्चों को एक नई दिशा देने, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो माध्यम बना है, आज उसका साक्षी महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में
ये गांव और ये जनपद बन रहा है जब इस वनवासी समागम के माध्यम से उन्हें एक नया विद्यालय भवन और नया छात्रावास प्राप्त हो रहा है। हम लोग अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जो पूजन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए थे, कुछ वनवासी बच्चे वहां पर एकत्र थे, वहां पर एक बालिका भी आई थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है। तो मैंने कहा आगे की पढ़ाई का नहीं छोड़ दिया है? मैंने कहा क्यों छोड़ा है? उसने कहा कि मैं आगे के प्रवेश के लिए गई लेकिन प्रवेश नहीं हो पाया। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहाँ के सेवा समर्पण संस्थान के साथ बातचीत करके उस बालिका का प्रवेश यहां संभव होगा तो यहां, काशी में संभव होगा तो काशी में, लखनऊ में, जहां भी हो सकता है, इसके बारे में शासन हर प्रकार का सहयोग। उन बच्चों को, सभी को ढूंढ ढूंढ करके निकालिए और उनका प्रवेश कराइए। उनके रहने की, खाने की, स्कॉलरशिप की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार की व्यवस्थाएं हैं और उन्हें हमें इसका लाभ देना होगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बालक हो या बालिका, अंततः ये समाज की आधार बनती है, आधारशिला बनती है। और ये अभिनव कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है सरदेव रज्जू भैया के आशीर्वाद से, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो हमारे सहकारवा हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम यहां पर आज से लगभग 21 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी पिछले 21 वर्षों से इस कार्य और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये माननीय सांसद थे तो माननीय सांसद के रूप में भी उन्होंने यहां पर जो पहला भवन बना था उसमें पहला कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया था तो आज के हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया था। और आज उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, आज कंट्रीब्यूशन का परिणाम है एक बीज जो 21 वर्ष पहले उन्होंने रोपा था, आज यहां पर एक भव्य जो है भवन बन करके, एक वृक्ष बन करके, एक भव्य बाग बन करके, इन भव्य भवनों के माध्यम से इन बच्चों को राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके आगे का कार्य कर रहा है। यह अभिनव कार्यक्रम है, अभिनव एक बहुत अभिनंदनीय कार्यक्रम है। मैं इसके लिए सेवा समर्पण संस्थान वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। सीएसआर से सहयोग करने वाले कोल इंडिया लिमिटेड को और एनटीपीसी के अपने पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वनवासी कल्याण के लिए, इन बच्चों के लिए इस नवनिर्मित छात्रावास को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मुझे लोग बता रहे थे कि कोई शूटिंग रेंज यहां पर नहीं है, उनके पास कोच नहीं है, राज्य सरकार इसकी सुविधा आपको उपलब्ध कराएगी। यहां के जिलाधिकारी से मैं कहूंगा कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव वे राज्य सरकार के पास अविलंब भेजे, जिससे शूटिंग रेंज के साथ साथ यहाँ की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। एक बार इस पूरे अभियान के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रति हृदय से बधाई देते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।